हाय गाइस, माय सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी न्यू बॉर्न के साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है। मॉर्निंग क्या एकदम सुबह सुबह उठ जाती हूँ। ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हो ये 5:30 बजे का है और रायुना ठीक 5:30 बजे उठती है। और पहले ही एक डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ, रायु फॉर्मूला मिल्क पीती है, वो ब्रेस्ट फीड बिल्कुल नहीं करती। एक्चुअली वो जब पैदा हुई थी उस दिन ही नर्सिंग होम में उसको ब्रेस्ट फीड ना करा के उसको फॉर्मूला मिल्क दिया गया था। आफ्टर दैट जब उसका जॉन्डिस हुआ था तब भी नर्सिंग होम में 2 दिन थी, तो फोटोथेरेपी जब उसका चल रहा था ना वो ब्रेस्ट फीड बहुत कम कर रही थी। वो फॉर्मूला मिल्क बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पीती है क्योंकि पता नहीं एक बार उसको फीडिंग का जो मतलब फॉर्मूला मिल्क का टेस्ट मिल गया था बोल के वो ब्रेस्ट फीड नहीं करती। और मेरा मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत बहुत कम है, दैट्स वाई उसका पेट नहीं भरता बोल के वो फॉर्मूला मिल्क ही पीती है। सो ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको लेके बार बार कॉमेंट मत करना, इसे मुझे भी खराब लगती है। हर एक माँ चाहती है कि फीड करवाना, पर अगर उससे नहीं हो पाता, अगर उसकी बेबी नहीं लेना चाहती तो उनको प्लीज़ ब्लेम ना करे। तो वो फॉर्मूला मिल्क ही पीती है। तो शाकिब गया था उसका मिल्क बनाने के लिए और जल्दी जल्दी वो लेके आया। हम लोगों का डेली का रूटीन यही चलता है, वो 2 आवर्स के मतलब बाद ना उठ जाती है। और भोर 5 बजे जब 5:30 बजे, पहले तो 4:30 बजे उठती थी, अभी 5:30 बजे कर दी। और इतना ज़्यादा मैं नींद में रहती हूँ तब भी कैसे करके, मतलब सभी माँ कर लेते हैं, मैं अकेली नहीं, सभी माँ ही यही करती है। रात भर जगती है और फिर सुबह से उनको उठ जाना पड़ता है। मैं इतना ज़्यादा नींद में 10 बजे तक मैं सोती थी, अभी मेरा 5:30 बजे, मतलब वो थोड़ी सी हिलती है तब भी मेरा नींद खुल जाती है। तो उसको मैंने पिला दिया दूध, उसके बाद मैं उसके साथ सो गई। और क्या सोना, मतलब आधा एक घंटा मैं सोऊंगी, उसके बाद वो फिर से उठ जाएगी। देखो अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो वो पास से बोल रही कि हाँ हाँ मैं उठ जाती हूँ, मैं अपनी मम्मी को परेशान करती हूँ। तो मैं जा रही थी यहाँ पे उसका बॉटल जो है उसे क्लीन करके रखने के लिए, क्योंकि माँ बोली है कि कभी भी मतलब बिना क्लीन किए बॉटल को रखना नहीं। और मैं थोड़ा सा पानी भी पी रही थी, मेरा पूरा गला सूख जाता है। और मैं रात में सोई भी थी 2:30 बजे और सोचो 5:30 बजे मेरी नींद खुल गई और उसको ऐसे ही पकड़ के मुझे सोना पड़ता है। देखो फिर 7:20 बज गया, रायो फिर से उठ गई, उसको भूख लग गई थी और मुझे लगा ना कि उसका डायपर लीक हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं देखती हूँ कि आजकल डायपर लीक हो जाते हैं रात भर। और मैं ऐसे टेस्ट करती हूँ अपने हैंड देके कि उसको मतलब भूख लगी है कि नहीं, तो मैंने देखा उसका डायपर लीक नहीं हुआ है, एक्चुअली उसको भूख लग गई थी बोल के वो उठ गई थी। एक्चुअली 2 आवर्स के मतलब 2 घंटे बाद ही दूध पिलाना पड़ता है उन लोगों को। अगर वो सोई हुई है तो मत उठाना, कोई भी बेबी हो अगर उसको खुद से भूख लग गई है तो आपको फीड करवाना होगा ही। तो मैं यहाँ पे शाकिब को बोली तुम देखो, शाकिब भी जागता ही रहता है, उसका भी नींद खुल जाता है। तो वो देख रहा था यहाँ पे रायु को और मैं यहाँ पे मिल्क बनाने गई थी। ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम शाकिब ही जाता है उसका मिल्क बनाने के लिए और मैं उसको लेके बैठी रहती हूँ। पर आज मैं आप लोगों के लिए शूट भी करी थी बोल के मेरा नींद खुल गया था थोड़ा सा, तो मैं इसीलिए उठ के गई थी। पर सच बोलूँ ना, इतना मुझे रिसेंट कमर दर्द हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। और रायु ना पूरा बॉटल का जो मिल्क था वो पी भी नहीं, उसको बस थोड़ा सा भूख लग गया था पर वो उठ गई थी। उसका नींद बहुत कच्चा है, मतलब भोर के टाइम में वो बहुत बार उठती है। तो मैंने क्या किया, उसका डाइपर फिर से चेंज कर दिया, मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा भीग गया है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है बोल के उसका डाइपर चेंज करके उसको मैंने सुला दिया। और सुला देने के बाद मैं फिर से उसके पास सो गई और सोने के बाद फिर से वो 1 घंटा बाद उठ गई 8:30 बजे, क्योंकि उसने ज़्यादा तो दूध पिया नहीं था तो उसको फिर से भूख लगी। तो मैं फिर से उठी, फिर से उठ के मैं देखी कि उसने पॉटी कर दिया है। ठीक है, पॉटी करने के कारण ही वो थोड़ा ज़्यादा पहले उठ गई, और वो सुबह के टाइम पे ऐसे टाइम में ही पॉटी करती है। तो उसको तो अच्छे से क्लीन व्लीन किया, उसका डाइपर में भी वो कर दी थी, फिर वो फिर से करी। तो मैंने उसका डाइपर फिर से चेंज किया और मैंने उसको पाउडर वाउडर लगाया, और जो लेफ्ट ओवर मिल्क था 1 घंटा के अंदर होता है तो मैं उसको पिलाती हूँ, नहीं तो लेफ्ट ओवर जो मिल्क रह जाता है उसको मैं फेंक देती हूँ। आप लोग भी फॉर्मूला मिल्क अगर बेबी को पिलाते हो तो यही करना, 1 आवर अगर हो जाता है तो उसे फेंक देना। ठीक है, तो ये 1 आवर के अंदर ही था बोल के मैंने उसको पिलाया। पिलाने के बाद मैं उसको आज सुलाने की कोशिश कर रही थी बार बार, पर वो सो नहीं रही थी, बार बार उठ रही थी, बार बार मतलब उसको ना गोदी में
में सोना था मेरे, और ना मुझे इतना ज़्यादा नींद लग रही थी और इतना ज़्यादा बैक पेन और लेग पेन हो रहा था, मैं आप लोगों को समझा भी नहीं सकती। जो न्यू बॉर्न बेबी की मॉम है शायद उन लोग समझेंगे कि इस टाइम में कितना ज़्यादा रेस्ट का ज़रूरत पड़ता है, पर एक मादर को वो रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलती क्योंकि उनका नींद ही पूरा नहीं होता। अगर नींद नहीं, देखो अभी मैं सो लाऊंगी फिर से वो उठ जाएगी, मतलब उसको क्या हो गया था मुझे पता नहीं, वो बार बार उठ रही थी कि मुझे गोदी में ही सोना है। तो मैं क्या करूं, मैं बेटी रो रही है तो उसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, जितना मतलब उसको 9:30 तक मैं ऐसे करती रही। आप लोग तो कट कट करके आप लोगों को क्लिप्स दिखा रही हूँ, तो 9:30 तक मैं अपने गोदी में उसको बिठा के रखे, उसके बाद उसको सुलाई। और शाकिब को मैंने बोला तुम उसको पकड़ो, क्योंकि उसका जो पॉटी का कपड़ा था वहाँ पे हगेज पैम्पर्स वगैरह था तो वो सब मुझे फेंकना था, क्योंकि माँ बोली है ना कि अगर वो कपड़े में पॉटी करती है तो उसको तुरंत आप पानी में धो देना, उसके बाद अगर तुम बाद में उसको अच्छे से धो डिटर्जेंट के साथ वो अलग बात है, पहले उसे धो देना नहीं तो ठीक नहीं लगता। तो मैं वही कर रही थी एक्चुअली, उसका जो कपड़ा है तो शाकिब ही सब कुछ धोता है, तो मैं यही कर रही थी, बस पानी देके उसको रख दी थी, शाकिब जब उठेगा वो उसे सब कुछ क्लीन करेगा, उसका कपड़ा वपड़ा धोएगा, सब कुछ काम करके यहाँ पे मैं उसका जो फीडिंग का बॉटल है उसे भी अच्छे से धो ली, क्योंकि लास्ट टाइम वो जब फीड किया तो मैंने धोया नहीं था उसे, तो मैं उसे भी अच्छे से पानी दे के रख दी थी। पहले तो मैं टैप वाटर से धोती हूँ, फिर मैं अच्छे से पानी से इसे धो के रखती हूँ। उसके बाद मैं आई थी, फिर से देखी रायु उठ गई है, रायु मतलब क्या बोले, बार बार उठती रहती है, और यहाँ पे ये पर्दा आ गया था मैं देखी नहीं थी, तो मैंने ना उसको देखा कि उसने ना उल्टी कर दिया, जो दूध तोला बोलते हैं हम लोग बंगाली में, वो कर दिया था। तो उसका कपड़ा मैंने फिर से चेंज किया, उसका डायपर भी मैंने यहाँ पे चेंज किया, क्योंकि वो जो डायपर पहनाई उसके अंदर ही पॉटी कर दी तुरंत, तो उसका फिर से डायपर चेंज किया। और आप लोग देखो उसकी आँख में बिल्कुल भी नींद नहीं है, उसको नींद तभी आती है जब हम लोग फिर उठ जाते हैं 10:30-11 वो सो जाएगी। तो मैंने ना उसको लगा कि मुझे कि उसको मिडिल में सुलाते और मैं थोड़ा सा राइट में सो जाती हूँ, ताकि उसका ना उसका जो जगह है ना उसका थोड़ा सा, वो जब पॉटी कर रही थी थोड़ा सा भीग गया था, तो मैंने उसको मेरे जगह में कर दिया और मैं उसके जगह में आ गई, थोड़ा सा लेटी, उसके बाद मैं उठ गई। 10:00 उठ के मैं यहाँ पे ब्रश कर रही थी और शाकिब उसके पास ही बैठा था, जब मैं ब्रश वगैरह करती हूँ बाथरूम आती हूँ तो शाकिब उसके पास बैठा रहता है, तो मैं क्लीन करके फेस वेस, मुझे ना बिल्कुल मतलब क्लीन क्या बोले, मेरा सर इतना पकड़ लेता है, इतना सर दर्द होता है, मुझे लगता ही नहीं कि मैं बेड से उठूँ, कुछ भी करूँ पर करना तो पड़ता है। तो मैं इस रूम में आई, यहाँ का विंडोज़ वगैरह खोला, अभी तो ये रूम मेरा यूज़ ही नहीं होता क्योंकि इतना गर्मी है इस रूम में हम लोग रह ही नहीं पाते। तो सुबह उठ के काम का तो मतलब क्या बोले, ख़त्म ही नहीं होता, आप लोग समझ रहे हो एक न्यू बॉर्न के साथ कितना काम रहता है। तो ब्रेकफास्ट का ड्यूटी शाकिब भी लेता है, चाय वगैरह ब्रेकफास्ट वही प्रिपेयर करता है, पर आज मैंने बोला तुम सैंडविच, वो बना रहा था तो मैंने बोला मैं चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई थी, सुबह से उठ जाती हूँ ना तो भूख भी बहुत तेज़ी से लग जाती है, और मुझे लग रहा था एक करकदार मिल्क के पिए, क्योंकि नहीं तो ना इतना एनर्जी और इतना सर दर्द था, एनर्जी तो बिल्कुल नहीं थी, तो एनर्जी के लिए एक मिल्टी ज़बरदस्ती चाहिए थी मुझे। तो यहाँ पे दोनों बैठ गए थे चाय लेके, और देखो रायु आराम से सो रही है अभी, मतलब हम लोग उठ जाने के बाद वो इतना सुकून से सोती है ना, उसका नींद ही नहीं खुलता, वो मतलब जब उठती है बस दूध पीती है और सो जाती है, बिल्कुल रोती गाती नहीं है, ना ही बोलती है मुझे गोदी में लो, मतलब हम लोग जब सोते हैं उसको बिल्कुल चैन नहीं मिलता। आई थिंक कि सभी मॉमी रिलेट कर पाएंगे, सभी के साथ ही यही होगा, मतलब मैं अभी समझ पा रही हूँ कि एक मॉमी का जर्नी क्या होती है। और यहाँ पे रायु का जो पानी है मैं गरम मतलब सूरज के किरने के नीचे मैं देती हूँ, ताकि उसका पानी जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए, और उसी पानी से मैं उसका बात करवाती हूँ। उसके बाद देखो रायु को देखो, पूरा नींद नींद में यहाँ पे मालिश ले रही थी, और मैं उसको डेली मालिश करती हूँ 2 times, एक तो उसका शावर लेने के सुबह के शावर लेने के पहले आधे घंटे पहले, और एक करती हूँ मैं
रात के टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा उसको मसाज कर रही थी, उसके पैर में, उसके बॉडी में, उसके हाथ में, और उसको मसाज इतना पसंद है, मालिश, कि मैं क्या बोलूँ, उसको बहुत आराम मिलती है, और इसके कारण ना उसका पॉटी भी बहुत अच्छे से क्लियर होती है। अगर आप न्यू मॉमी हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आपकी बेबी को आप दो टाइम मसाज दो, तो वो काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, उसका पूप भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और जो अंगड़ाइयाँ लेते हैं ना वो भी बहुत कम हो जाएगी। और मैं तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ उसके लिए, और उसके अंदर अंगड़ाइयाँ वो लेती थी बोल के, एक फॉल काइंड ऑफ मिलता है, बीच काइंड ऑफ, उसको बेने मौसला दुकान, आप लोग बहुत जन पूछे थे, वहाँ जाके बोलने से वो लोग दे देते। देखो यहाँ पे रायु मसाज करी है, एक्सरसाइज करी है, सॉरी मसाज नहीं, एक्सरसाइज करी है, हल्का सा उसको एक्सरसाइज करवा देने के बाद वो सो जाती है, तो मैं उसको कॉट में सुला के मेरा जो बाकी काम है वो शुरू कर देती हूँ। मतलब क्या बोले, इस टाइम से ना मैं लिटरली, मुझे लगता है कि मैं एक जंग में उतरी हूँ, इतना काम रहता है। और इस रूम में हम लोग रात भर रहते हैं बोल के ना, इस रूम का हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत मिस हो जाती है, क्योंकि रायु का टॉयलेट जब करती है सब कपड़ा वपड़ा वो सब गिरता है यहाँ पे। और देखो गद्दा को हम लोग नीचे रखे हैं ना फ्लोर में बोल के, तो और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होती है। अगर इस रूम में भी एक बेड होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता, बेड हम ले सकते थे, पर मेरा ये स्टूडियो रूम है, आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे ही वीडियोज़ वगैरह शूट करती हूँ बोल के, यहाँ पे बेड लेना इम्पॉसिबल है, तो दैट्स वाई हम ऐसे ही इसको गद्दा को उठा के लेके आते हैं रात में, और सुबह उस घर में चले जाते हैं। पर मैं दो दिन से कोई भी मेकअप का वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है, रायु को उस रूम में रखना बिल्कुल सही नहीं होगा, रह नहीं पाएगी बोल के हम लोग यही रूम में दो तीन दिन से है। अभी मैं बेडशीट जो है वो चेंज कर दी, क्योंकि वो टॉयलेट कर रही थी, टॉयलेट कर दी थी दो तीन बार, और उसके बाद मेरा जो फ्लोर है मैं उसे अच्छे से क्लीन कर रही थी, और शाकिब वहाँ पे रायु का जो कपड़ा था पूरे रात का जो सब वो कपड़ा मतलब गंदा की थी, सारे कपड़े उसके ड्रेसेस वगैरह सब शाकिब वहाँ पे धो रहा था। मैं फ्लोर क्लीन रही थी, उससे पहले शाकिब ने पूरा घर को झाड़ू लगा दिया था, वो बोला कि मैं वो कर देता हूँ, वो एक्चुअली कर लेता है कभी कभी जब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो मैंने बोला तुम झाड़ू लगा दो, मैं फ्लोर आज क्लीन कर देती हूँ, ठीक है, क्यों तो क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था, वो भी बेचारा कितना सारा धोए, तो इसीलिए ऐसे ही हम लोग दोनों मिलजुल के ही कर लेते हैं। और शाकिब को भी काम पे निकलना रहता है, पर वो ना सुबह के टाइम में थोड़ा लेट से जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर बिल्कुल सुबह चला जाएगा तो मैं रायु को कहाँ पे रखे, अपना सारा काम करूँ, बाथरूम जाऊँ, तो अभी बहुत छोटी है तो उसको अकेले बिल्कुल कॉट में सुला के जाना पॉसिबल नहीं होता, तो मैं बाथरूम वगैरह कर लेने के बाद, फ्रेश हो जाने के बाद चाय वाय पी के ही शाकिब निकलता है उसका कपड़ा धो के। तो आज वो कपड़ा धोने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, बेडशीट लगाए, बेडशीट चेंज किए और पीलो कवर भी चेंज किए, और क्या बोलूँ मैं, कैसे हेक्टिक जाता है ना मेरा दिन इसके अंदर ही, मुझे वीडियो का भी काम करना पड़ता है, इतने सारे ब्रांड जब फ़ोन करते हैं इसके अंदर भी मुझे अपना प्रोफेशनल जो काम है वो भी करना पड़ता है। उसके बाद रायु को लेके आए, शाकिब पकड़ता है और मैं उसको शावर दे देती हूँ, और उसको शावर वावर दिलाने के बाद, क्योंकि मैं उसको 12:00 से 12:30 के अंदर शावर करवा देती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा तो बेचारी को ठंडा लग जाएगा, इसीलिए मैं 12 से 12:30 के अंदर कर देती हूँ। और शाकिब का सारा काम वहाँ पे हो गया था, और मैं रायु को यहाँ पे फ्रेश कर रही थी उसको अच्छे से, और यहाँ पे उसको ना क्लोथ डाइपर मैंने पहना दिया, बार बार उसको बहुत सारा डाइपर मुझे पहनाना पड़ता है, क्योंकि कितना कपड़ा हम लोग धोए तो वो पॉसिबल नहीं होता, शाकिब इतना अकेले बेचारा धो नहीं पाता है, तो हम लोग उसको डाइपर पहनाते हैं और उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो बचपन से पहन रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और क्लोथ डाइपर जो मैंने अभी पहनाया वो मैं उसको ना ये शावर करवाने के बाद पहनाती हूँ एक बार, और शाम के टाइम में एक बार पहना देती हूँ। उसके बाद मैं उसको रख के आई और उसका जो कॉट है वो सेट कर रही थी, क्योंकि मुझे खाना पकाना था, तो उसको कॉट में रख के मैं आराम से अपना जो खाना है वो पका लूँगी, इसीलिए मैंने उसको कॉट पे सुला दिया। इससे अभी उसको शावर करवा देने के बाद जब सुलाऊँगी वो अच्छे से सो जाती है। देखो अभी भी वो पास से बोल रही है हाँ हाँ मैं सो जाती हूँ। फिर मैं अपना जो
मैं रात का कपड़ा चेंज करके आई क्योंकि मुझे खाना बनाना था, और यहाँ पे आज मैं बनाने वाली थी परवल आलू और फिश की एक सब्ज़ी, और राइस शाकिब ने चढ़ा दिया था और मैं बस चेक कर रही थी कि राइस हुआ कि नहीं। और मुझे ना रायू के जो बॉटल्स है, फीडिंग बॉटल्स, वो भी देखना था क्योंकि वो फीड कर दिए तो उसका बॉटल भी मुझे बॉयल करना है 10 मिनट्स तक, तो वो सब भी मैं करूँगी। पहले मैं यहाँ पे जो सब्ज़ी है उसे काट रही थी, और मुझे लगता है अभी जितना मेरे से जंग मैं करती हूँ, जितना मैं दौड़ा दौड़ी करती हूँ सुबह से, भाग दौड़, मेरा नींद नहीं आती, मुझे और एक्सरसाइज करने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पतली हो जाऊँगी, जबकि मेरा वेट गेन हो गया है, तो मुझे लगता है ऐसे ही मेरा मतलब वेट लॉस हो जाएगा। इतना मतलब टेंशन रहता है, इतना नींद रहता है आँख में, पहले ही मेरा नींद बहुत कम है पर अभी तो मतलब बिल्कुल नहीं। दोपहर के टाइम में तो मैं सोती नहीं क्योंकि दोपहर के टाइम में मुझे वीडियो का काम करना पड़ता है, आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग करना पड़ता है, और इसीलिए मैं इतना रेगुलर व्लॉग डेली नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे से टाइम ही नहीं होता। वहाँ पे मैंने रायू का बॉटल जो है बॉयल करने दे दिया, शाकिब उसका जो सारे कपड़े थे उसे अच्छे से सुखाने के लिए दे दिया है, दे के वो निकल गया था अपने काम के लिए। मैं यहाँ पे बना रही थी सब्जी का तरकारी, तरकारी बोलते हैं ना शाकिब, मुझे बार बार बोलता है तुम तरकारी मत बोलो, क्या बोले, सब्जी बना रही थी। ठीक है, बाप रे रायू तुम बात तो करने दो यार, यहाँ पे एक्चुअल फिश करी बन रही थी। ठीक है, तो इसमें तो टाइम लग जाती है क्योंकि खाना एक ही मैं बनाती हूँ, आप लोग पहले से देखे हो प्रेगनेंसी से मैं एक ही तरकारी बना लेती हूँ और उससे ही हम लंच कर लेते हैं, तो एक ही खाना को अच्छे से बनाना पड़ता है ताकि अच्छे से खा पाए। और रायू देख रहे थे वहाँ पे, रो रही थी, उठ गई थी, तो मैं दौड़ के आई क्योंकि उसको भूख लग गई है, क्योंकि वो बहुत देर सोई थी कॉट से, उसको लेके मैं इस रूम में लेके आई क्योंकि मैं फिश बना रही थी बोल के ना बहुत ही ज़्यादा धुआं हो रहा था, तो उसके आँख में लगता और उसका अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए मैं उसको उठा के लेके आई। और यहाँ पे उसको फिर से भूख लग गई थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मेरा खाना बनाने थे, बनाते बनाते डेढ़ दो बज रहे थे, तो फटाफट से मैं जाके उसका मिल्क बनाई और दौड़ के गई। वो बहुत रोती है, मतलब उस टाइम ही नहीं देती दूध घोलने का, तो फटाक से मैं, देखो आप लोग की कितना जोर जोर से रो रही थी, मैं जल्दी से गई और उसको उसका दूध पिला दी। इतना ज़्यादा गर्मी है ना अभी वेस्ट बंगाल में, मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं, लगता है कि मुझे अगर और 10 हाथ मिल जाते ना दुर्गा माँ से तो मैं और जल्दी फटाफट से काम कर लेती, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता कि थोड़ा सा रेस्ट लूँ। और मुझे ना नींद कम आती है, मुझे नींद लेके उतना प्रॉब्लम नहीं, पर सुबह के टाइम में ना बहुत सर पकड़ लेता है, चक्कर आता है, क्योंकि मेरा भी तो जस्ट डिलीवरी हुई है, मुझे बहुत पेन होती है, सबसे ज़्यादा बैक पेन। तो शाकिब अपना काम निपटा के जल्दी से आ गया था और उसको मैं रायू को थमा के गई फटाफट से अपना जो खाना था उसको कंप्लीट करने के लिए। मैंने पानी दे दिया और पानी देने के बाद थोड़ा सा उसको होने के लिए दे दी और उसके अंदर जो फिश था वो दे दिया, गैस को क्लीन कर लिया और मेरा खाना हो गया था रेडी। और मैंने बोटॉक्स करवाया था 2 दिन, तो मेरा हेयर खुला छोड़ने के लिए बोला था, तो मैं खुला तो रख नहीं पाई, इतना गर्मी में पॉसिबल नहीं है रायू को लेके, तो मैं गई फटाफट से आज शैम्पू करने के लिए। और शैम्पू करने के बाद ना थोड़ा सा रिलैक्स लगा कि यार हाँ, थोड़ा सा तबीयत में सुधार आया कि हाँ अभी जाके बस लंच करेंगे और थोड़ा सा रेस्ट ले पाएंगे। पर लंच करने के बाद भी रेस्ट नहीं मिलता, मैं बैठती तो हूँ रायू के पास, सोती हूँ थोड़ा, मतलब सोती हूँ तो वो 10 बार उठती है, मुझे देख के तो क्या पता नहीं, वो बार बार उठ जाती है। और उठने के बाद क्या होता है ना, अगर मेरा वीडियो का काम रहता है वो करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, और होते होते तो आजकल शाम हो जाती है, फिर शाम के बाद उसके पीछे लगना पड़ता है, मतलब समय नहीं मिलता मुझे। और यहाँ पे मैंने पूजा दे दिया और लंच करने, देखो मैं बैठ रही हूँ, 3:05 बज रहे हैं, डेली ऐसा ही होता है, 3:30 से पहले मुझे खाना तो नहीं मिलता, खाना खाने के बाद यहाँ पे रायू उठ गई थी, वो यहाँ पे अपने अपने में खुद से ही खेल रही थी थोड़ा सा, हाथ पैर हिला हिला के, तो उसको मैं सुलाने आ गई। तो ऐसा ही जाता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ये अभी मेरा करेंट रूटीन है, डेली ऐसा ही करना पड़ता है मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ज़रूर बताना, तो मैं नाइट रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।